कांग्रेस ने 3 नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है। लगातार किसानों के बीच पहुंचकर इन कानूनों की खिलाफत कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आज प्रदेश के किसानों पर 3 काले कानूनों का संकट मंडरा रहा है, इसलिए जरूरी है कि सभी पार्टियां किसान हित में एक साथ इसके खिलाफ आवाज उठाएं। पंजाब की तर्ज पर विधानसभा का सत्र बुलाकर इन 3 कानूनों के सिरे से खारिज किया जाए, इन कानूनों पर सदन में चर्चा करवाई जाए ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी पार्टी और विधायक किसान समर्थक है और कौन सी विरोधी। गवर्नर साहब को हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है, जो ऑर्डिनेंसेज आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेज हैं, इससे किसान मजदूर और जो आपके व्यापारी आढ़ती हैं तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा, और जो पैसे वाला धनाढ़ होगा वो उसको होल्ड करेगा तो महंगी होगा उसके बेचेगा। जैसे डिमांड और सप्लाई का आप चलते हो, तो सप्लाई को शॉर्ट कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो मंडी से बाहर तमाम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेंगे, हमारी ये डिमांड है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं, और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है MSP का सिस्टम लागू रहेगा, MSP का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेंगे, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर MSP का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो 4th ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें प्रावधान हो कि जो भी MSP से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा, और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, तकनीकी रूप से संविधान क्या कहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ऑर्डिनेंस सरकार ने क्यों नहीं रोक सकती? ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, फेडरल हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल है, और वो हमारा जो पीछे सेशन हुआ था वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से ये हुआ कि भी सिर्फ सप्लीमेंट्री पास करा दो। हम तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हो गया था, स्पीकर साहब को भी हो गया था, बहुत सारे मंत्री भी थे, तो लेकिन हमारा जो एडजस्टमेंट मोशन था और थे जितने कॉलिंग अटेंशन थे इस मामले में, सब यूँ के यूँ अलाइव रखी गई वहाँ, और ये वादा किया गया था जब मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे हम जल्दी सेशन बुलाएंगे और इसमें करेंगे। तो अब सेशन बुलाने के लिए हम कहा, इसी वास्ते हमने कहा गवर्नर साहब को स्पेशल सेशन बुलाया। सर, हरियाणा प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं उनका उनसे जब हम ये MSP को लेकर के सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि जो अभी 1 अक्टूबर से भी जो खरीद होगी उसमें भी MSP मिलेगा, किसानों का MSP कहीं भी नहीं जा रहा, सुनिश्चित है, और उन्हें मंडियों के अंदर जैसे पहले MSP पे। मैं वही तो बात वही बात मैं कह रहा हूँ, मंडी में तो MSP मिलेगा लेकिन मंडी से बाहर खरीदेगा उसको मिलेगा क्या? अगर ये आश्वासन दे फ्लोर पे कि MSP से कम कोई भी खरीदेगा तो उसको सजा हम प्रावधान करेंगे, ठीक है। सरकार की क्या बात है, मंडी से बाहर कोई किसान तभी बेचेगा जब उसको MSP से ज्यादा मिलेगा, और अगर उसको MSP लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, टकराव हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर में और किसान में, तो अगर भाव अच्छा नहीं मिला और भाव या गिर गया तो क्वालिटी में रिजेक्ट कर देते हैं, तो कहाँ जाएगा किसान? कोर्ट में नहीं जा सकता, फिर सिर्फ यहाँ पे SDM और DC फैसला करेंगे। ऑर्डिनेंस में है वो यार, ये क्या करेंगे? ये अगर इतना किसान हितैषी होते ही ये तो जो अकाली SAD क्यों विड्रॉ करती? मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले सबको मालूम है, ये जो है ना
किसानों को गुमराह नहीं कर सकते, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, हम लड़ेंगे। सर आपने आंदोलन की बात कही थी, आंदोलन को लेकर के जब जब ये कोरोना का समाज से वो हो जाएगा उसमें वहीं पीपली से हम आंदोलन शुरू करेंगे और मजबूर करेंगे इसको वापस लेने में और यहाँ लागू नहीं होने देंगे। सहयोगी पार्टी ने रिजाइन किया है हरसिमरत बादल ने सेंटर से किसानों के मुद्दे पर ही, गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे किसानों को? हरियाणा की गठबंधन की जो पार्टी है क्या वो दबाव नहीं बना रही है सरकार पर किसानों के मुद्दे पर? दबाव बनाती तो अब तो कुछ हो जाता है, दबाव तो दबाव अगर बनाती है नहीं मानते हैं तो अब तक गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए था उनको। किसान हितैषी नहीं है ये, नहीं पड़ेगा। सीएम ने तो स्पष्ट कर दिया सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इसको लागू करेंगे कृषि अध्यादेश को, करें असेंबली में ले आए ना, हम तो ये असेंबली में डिस्कशन होगी, हम अपना रेजोल्यूशन लेके लाएंगे, पता लग जाएगा कौन किसान हितैषी है कौन किसान विरोधी है। कह चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह Too late. ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।